नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है खबर पर नजर न्यूज चैनल पर। मध्य प्रदेश और इंदौर की ताजा खबरों को जानने के लिए खबर पर नजर न्यूज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र चिरमार। हम इंदौर से खबर पर नजर से आपको पूरे भारतवर्ष में जगह जगह जहां भी महाकुंभ होते हैं उसके हम आपको लाइव प्रसारण दिखाते हैं। वहां के जमीनी हकीकत बताते हैं कि महाकुंभ में होता क्या है, क्यों महा कहलाया जाता है महाकुंभ, और इस महाकुंभ की क्या क्या विशेषता है। कितने सारे साधु संत इस महाकुंभ में अपनी सहभागिता निभाते हैं। सनातन धर्म, हिंदू धर्म की एक अलग ही व्याथा गाथा गाते हैं। इस महाकुंभ में हम आपको बताएंगे नागा साधु क्यों विशेष माने जाते हैं, उनको देखना दर्शनार्थ करना उनके लिए एक अनेकों अनेक धर्म के प्रति बड़ी श्रद्धा भाव से वह अपनी एक कठिन तपस्या करते हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं महाकुंभ में। इसके पहले हमने आपको महाकुंभ उज्जैन का महाकुंभ दिखाया, हरिद्वार का महाकुंभ दिखाया, बनारस में जो महाकुंभ होता है उसके बारे में आपको बताया, और नासिक में जो महाकुंभ होता है उसके बारे में बताया। तो आपको ले चलते हैं महाकुंभ के वहां की जरूरी जो वहां की मशीनरी जो है जो अगले वर्ष 2025 में शुरू होने जा रहा है उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे महाकुंभ के बारे में। तो इस महाकुंभ के बारे में हम आपको इसलिए हम बताना चाहते हैं क्योंकि महाकुंभ शुरू होने जा रहा है, उसकी शाही सवारी निकल चुकी है। पहली शाही सवारी निकाली है जूना अखाड़ा और किन्नर अखाड़ों ने, जहाँ की बिल्कुल अनेकों अनेक भाव भंगिमा के अनेकों अनेक ताम झाम और अनेकों अनेक जितने भी कितना अलग ही भावनाओं में सब झूम झूम कर साधु संत आ रहा है इस महाकुंभ में, अपनी 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 भाव बिना प्रकट कर रहे हैं इस महाकुंभ में, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं प्रयागराज, और इस प्रयागराज में हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको इस प्रयागराज में जितनी भी शाही स्नान, जो पहला शाही स्नान है वह 14 जनवरी को होने जा रहा है 2025 को। तो आइए चलते हैं महाकुंभ के बारे में आपको बताएंगे विस्तार से, ड्रोन से हर एंगल से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। हमारे कैमरामैन, हमारे रिपोर्टर्स वहां के आपके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। तो आइए चलते हैं महाकुंभ में। धन्यवाद। Welcome to Prayagraj. नमस्कार दोस्तों, महाकुंभ में बस 2 महीने बाकी रह गए हैं और संगम क्षेत्र में आज से पीपा पुल बनना शुरू हो गया है, और इस बार करीब 20 से 25 पीपा पुल महाकुंभ में बनाए जाएंगे, और बाहर से बहुत सारी आधुनिक मशीन को भी मंगाया गया है जिससे महाकुंभ के काम को और आसानी से किया जा सके। पीपा पुल बनाने के साथ और भी काफी सारे काम संगम क्षेत्र में शुरू कर दिए गए हैं, और आप सभी देख सकते हैं कि महाकुंभ की तैयारियां करने में कितनी ज्यादा मेहनत लगती है।